श्री रे सी भलाई शिवलाई और हमने तो चंदेरी में सुषपाल के यहाँ पहुंचाओ और साफ साफ कह देना कि तुम्हारे जीजा ने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहा। मैं किसी का एहसान नहीं रखता हूँ, अगर वो सुबह हमसे जीजा कहेगा तो हम शाम को उससे जीजा कहेंगे। अब तो भैया नाई देवता चले हैं, सोचते जा रहे हैं कैसा हो रहा है, आज तक नहीं हुआ वो काम होने जा रहा है। धीरे 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 नाई उस खत को लेकर के चंदेरी में पहुंचता है। चंदेरी में जब पहुंचा तो शिषपाल को बताया, शिषपाल महाराज तुम्हारे जीजा ने खत भेजा है तुम्हारे लिए। बोले क्या है खत में, क्या है आप ही पढ़ लें। और जैसे ही खत खोल के देखा खुशी का ठिकाना न रहा, खुशी में झूमने लगा, कहने लगा बहारे जीजा, बहारे जीजा, मेरे जैसे जीजा हर भाई को मिले, हर व्यक्ति को मिले, मेरे जीजा ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। अरे मैंने अपनी बहन उनको दे दी तो उन्होंने अपनी बहन मुझे दे दी, मेरे जैसा जीजा आज तक नहीं हुआ।
अब तो शिशुपाल खत को लेकर के अपनी भाभी के पास पहुंचा। बोले भाभी भाभी बड़ा सुंदर अवसर आ गया। बोले क्या हुआ? अरे ये मत पूछो क्या हुआ, तैयारी करो तैयारी। भाभी कहने लगी पहले बताओ तो। बोले बस बताने का समय नहीं है, तैयारी करने का है। अरे बोलो ना। तो कहने लगा ठीक हो मती, बस हमें दूल्हा बना दो। बोले लला शादी तो कम से कम 6 महीना पहले, 6 महीने से तैयारी होती है शादी की, और आज तुम तो तैयारी करने लगे शादी की। अरे शादी होती है तो पहले पक्की होती है, फिर लग्न पत्र का आती है, फिर शादी होती है, और तुम तो आज ही कहने लगे दूल्हा बना दो। कहने लगे भाभी मुझे दूल्हा बना दो, ज्यादा समय नहीं है। अरे आज तक किसी ने नहीं कर पाया, वो मेरे जीजा जी कर रहे हैं। बोले लला पहले समझाए तो दे। बोले भाभी सुनो, चीखो मत चिल्लाओ मत, हम जाने और तुम जानो, जीजा की बहने बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर सोनी लगती है, और जीजा ने अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए भेजा है, अब तो हम दूल्हा बन करके रुक्मिणी को ब्याहने के लिए जाएंगे। और जैसे दूल्हा का नाम सुना भाभी हंसने लगी। भाभी कहने लगी लला हमें तो जी लग रही है कि बिना सकाले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे आज तक ऐसा किसी ने किया है कि अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करे? किसी ने तुम्हें बहका दिया है? शिशुपाल बोला तुम जैसे करेंगे रड़ुआ रहे तो हिस्सा हमें मिल जाए, जी रड़ुआ रह जाए तो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, क्या तुम शादी होने नहीं दोगे? भाभी ने कहा लला हम तो दो हाथन से चाह रहे तुम्हारी शादी है जाए, अगर शादी चाहती हो तो मुझे दूल्हा बना दो। तो भाभी मुस्कुराती जाती है और समझाती जाती है लला समझो, समझने की कोशिश करो, ये शादी शादी नहीं तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। शिशुपाल बोले भाभी बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं स्वयं दूल्हा बन जाऊंगा। तो आज बड़े प्यार से और इसी के बीच रवि भैया जी जो मुकुट लेके आए हैं वो सम्मान कर दें। मुंह छुपा के मत बैठो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। अब तो इसी के बीचों रवि सिंह भैया जी हमारे गुरुदेव श्यमन बिहारी के ये लाडले शिष्य, ये हमारे सर पर मुकुट बांध करके हमारे गले में फूलों का हार चढ़ा करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। प्रभु इनके घर में सुख और शांति रहे, इनके हाथ हमेशा धर्म की जगह रहे, आने वाले मेहमानों का इसी प्रकार से सम्मान करते रहे। उठाओ दोनों हाथ, उठा के दोनों हाथ जोरदार से।
चेहरा सुहाना लगता है लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब तो भाभी ने शिशुपाल के ऊपर सेहरा रखो, और जैसे ही सेहरा रखो तो भाभी को याद आएगी लला काजर और रेगो काजर। जब तक काजर ना हो तो है तब तक दूल्हा ना बनो जाते, ये हमारे सामने न खाए, इसको हिला हिला के मत खा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब भाभी ने अपनी अंगुली में काजल लगाओ, और जैसे ही काजल वाली अंगुली शिशुपाल की आंख की तरफ लेके चली, एकदम से छीक है गई। भाभी ने कही लला रुक जाओ, असगुन है रहे। शिशुपाल कहने लगे ऐसे अशगुन तो होते रहते भाभी, अब तो जल्दी जल्दी दूल्हा बना दे। तो भाभी कैसे दूल्हा बना रही है, माता जी के काजर ला